जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं, अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, अपना हृदय आपको समर्पित करते हैं, अपना प्राण आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा समर्पण हमारे जीवन को आपकी महिमा के योग्य बनाना है। प्रभु जब हम आपको समर्पित होते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को आपकी महिमा का बर्तन बनाता है, ताकि आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित हो, हमारे उठने बैठने, हमारे बातचीत करने से, हमारे सारे व्यवहार से आपकी महिमा प्रकट हो। सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले और हमारे जीवन में से ऐसी ज्योति निकले जिससे आपकी महिमा प्रकट हो और जो लोग संपर्क में आए उनका जीवन ज्योतिर्मय होने पाए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हम उसके नाम से जब जब जमा होते हैं, उसके वचन के द्वारा हमारा विवेक पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा शुद्ध करने का काम करता है। वचन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है एक मसीही विश्वासी के हृदय में, उसके विवेक में शुद्धता लाना। आज हम पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में, जो वो हमारे विवेक में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करता है। आप लगातार सुनते आ रहे थे कि पवित्र आत्मा मनुष्य के विवेक में, पवित्र आत्मा मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करता है। भीतरी मनुष्यत्व का जो सबसे पहला प्रमुख स्थान होता है वो है विवेक, जहां से हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के सब निर्णय लेता है, जहां से वो अपने जीवन को नियंत्रित करता है, कब कहां जाना है, नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, और जाना है तो क्यों जाना है, कैसे हमको क्या करना है, करना है कि नहीं करना है, ये सारे फैसले व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति अपने विवेक से करता है। लेकिन विवेक में दोष है, पतन के कारण और पापी स्वभाव होने के कारण हमारा विवेक दूषित है, हमारा विवेक भ्रमित है और हमारे विवेक में कई प्रकार के दोष काम करते हैं। और प्रत्येक मानव जाति का विवेक अलग अलग मानकों पर काम करने लगा है, और जब सबके मानक ही अलग हो गए तो परमेश्वर तो अपने वचन के आधार पर न्याय करता है, आपके खुद के मानक के आधार पर आप निर्दोष नहीं ठहरेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है कि अन्य जाति लोग जिनके पास परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, वो अपने विवेक में इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था उनके मन में है और वो व्यवस्था उनके मन में काम करती है, और उसी के आधार पर, वो नैतिक नियम है, धार्मिक नियम नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था जो 10 आज्ञाएं हैं वो नैतिक नियम है, धार्मिक नियम नहीं है। और आज देखिए संसार में सारे लोग धार्मिक नियमों को लेकर खड़े हुए हैं जिसके आधार पर वो अपना मूल्यांकन करते हैं, उनका विवेक उनके धार्मिक नियमों के आधार पर काम करने लगा है। आवश्यक हो गया है कि हर एक व्यक्ति अपने विवेक को फिर से अलाइनमेंट करे, जैसे घड़ी मिलाते हैं, तराजू के बांट को फिर से मूल्यांकन करके सही किया जाता है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति अपने विवेक का मूल्यांकन या उसके मापने का जो मापदंड है उसको परमेश्वर के नैतिक नियमों अर्थात 10 आज्ञाओं के आधार पर उसको फिर से रीअलाइन करे। इसी को कहते हैं कि मनुष्य, हमारा माइंड का रिन्यूअल, हमारी बुद्धि का नया होना, और जब बुद्धि नई होगी तभी जीवन परिवर्तित होना शुरू होगा। आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में अद्भुत कार्य करना मांगता, अगर हम उसको अनुमति देंगे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी आपको बाध्य नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। जो कोई अपनी इच्छा से
परमेश्वर के वचन का आदर करके और अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार होगा और समर्पण करेगा, परमेश्वर उसके जीवन को अपनी महिमा का बर्तन बनाएगा। आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर होगा। पवित्र आत्मा विश्वासी को पाप के लिए नहीं बल्कि धार्मिकता के लिए दोषी ठहराता है। हम लोगों ने लगातार पुरानी स्टडीज खोल के सुनिएगा तो हमने ये पद बार बार पढ़वाया जो आपको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 8 पद। पहले इंग्लिश में पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 8 पद, यहां पर क्या लिखा हुआ है वो आकर नहीं, इंग्लिश में पहले पढ़ेंगे। येट यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 16 का वर्स 8। And when he comes, कहते हैं ये सर्वनाम हिंदी में, इसी का नाउन के बदले सर्वनाम, जैसे मेरा नाम लेकर कोई कुछ बोले और फिर वो सर्वनाम लेके वो आएंगे, तो एक व्यक्ति की बात की जा रही है ना। सर्वनाम किसको कहते हैं, व्यक्ति को, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है अगर आप ग्रामर को जानते हैं, जो नाउन के बदले में यानी संज्ञा की जगह पर यूज किया जाता है वो है सर्वनाम। यानी जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उस व्यक्ति के नाम की जगह अगर हम उसको ही बोलते हैं, ही का मतलब वो, इंग्लिश में लिखा व्हेन ही कम्स ही विल कन्विक्ट एंड कन्विंस द वर्ल्ड एंड ब्रिंग डेमोन्स्ट्रेशन टू इट अबाउट सिन एंड अबाउट राइटियसनेस अपराइटनेस ऑफ हार्ट एंड राइट स्टैंडिंग विद गॉड। यानी धार्मिकता की मीनिंग खोली गई है इंग्लिश में। धर्मी होने का मतलब भजन कीर्तन करना नहीं है। हमारे देश में तो बड़ा भयानक संदेश जाता है जब हम किसी को कह देते हैं कि फला व्यक्ति धर्मी है, वो लोग तुरंत दिमाग में सोचते हैं कि धार्मिक कामों को करने वाला व्यक्ति धर्मी बोला जाता। नहीं, धर्म की परिभाषा आपको अपने विवेक में सही करनी पड़ेगी ताकि आपका विवेक धर्म शब्द से धोखा ना खाए। हिंदुस्तान के अंदर धर्मी किसको बोला जाता है, आप किसको धर्मी कहते हैं, जो वेशभूषा धारण करता है, एक विशेष वेशभूषा, धार्मिक क्रियाएं करता है, उसको यहां पर धर्मी कहा जाता है। लेकिन ये धर्म की परिभाषा नहीं है। परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर, जैसे आप देखिए कोई पुरोहित के कपड़े पहन लेता लोग कहते बड़े धर्मी है ना। परमेश्वर क्या चीज चेक करता है, हृदय। वो आपकी वेशभूषा नहीं चेक करता। आप जैसे भी कपड़े पहने हो, कपड़े मायने नहीं रखते। परमेश्वर की दृष्टि आपके हृदय पर रहती है कि आपके हृदय में क्या भाव चल रहा है। यहां पर जो बात इंग्लिश में बोली जाती है, बोली जा रही है, वो ये है कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय का भाव चेक करता है। कोई व्यक्ति गलत भाव से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसका हृदय का भाव बदल जाता है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। वेशभूषा की बात नहीं की गई, ना ही बाइबल में स्थान मायने रखता है कि फलानी जगह जाकर, उस विशेष मंदिर में जाकर, विशेष स्थान में जाकर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि विशेष वेशभूषा धारण करने की, आपको किसी भी प्रकार का कॉस्ट्यूम पहनने की जरूरत नहीं है।
आप जैसे हैं आपके हृदय का भाव बदला तो भला। एक पुराना दोहा है, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का मन, यानी सारी जिंदगी आप माला फेर रहे हैं। ये धर्म धार्मिक क्रिया है, आपका मन कभी बदला ही नहीं। तो जब मन नहीं बदला तो माला फेरने का आपको क्या फायदा, लोग आपसे धोखा खाएंगे। यही तो हो रहा है, धर्म के नाम पे धोखा है कि नहीं है। ये युग धोखे का युग है और इसी के आधार पर यीशु मसीह ने रिपीटेडली अपने मुख से ये बोला, धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। क्या आप यीशु मसीह के बोल देने से हम धोखे से बच जाएंगे? नहीं, हम सुनने वचन सुनने के बाद भी धोखा खा सकते हैं। आप कलीसिया में 100 साल तक बने रहिए, वचन सुनते रहिए, फिर भी आप हर बात में धोखा खाएंगे, लिख के ले लीजिए। तो धोखे से बचने का तरीका क्या है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में। वो आकर, कौन? पवित्र आत्मा के विषय में बात हो रही है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहे हैं कि वो आकर, यहां पर ही वर्ड यूज किया है, इसका मतलब पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। अब आप एक बात बताइए, क्या पिता, परम पिता परमात्मा जो आत्मा है, उसका आत्मा हम एक पापी के अंदर प्रवेश कर सकता है रहने के लिए, निवास करने के लिए? क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? एक पापी के हृदय में या पाप से भरे हृदय में वो प्रवेश नहीं करेगा, असंभव है। और ऐसी कल्पना भी असंभव है, मूर्खता है, ऐसी कल्पना कोई कर रहा तो वो मूर्ख है। वो परम पवित्र परमेश्वर को परम पापी के अपने हृदय में कह रहा, मेरे अंदर पवित्र। इसीलिए तो पुराने जमाने के लोग, जब कोई कहता था कि परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में है, तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। क्या निंदा है? कि एक पापी व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा नहीं आ सकता। यही तो समस्या थी। पौलुस अगर देखा जाए तो जो व्यवस्था की शिक्षा के आधार पर बिल्कुल सही विवेक रखता था, वो यीशु मसीह पर भी संदिग्ध, कि ये संदिग्ध व्यक्ति है। लेकिन पवित्र परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा के साथ उसकी मुठभेड़ हुई थी, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द होली स्पिरिट। और वो जब गिरा है तो उसकी गवाही वहां पर देखिए, उसने कहा सूर्य से भी अधिक प्रकाश मुझ पर चमका, मैं अंधा हो गया। इतना भयानक प्रकाश था कि वो उसकी आंखें अंधी हो गई, और जिसके कारण वो देख ना सका। और इसलिए उसकी गवाही और उसका जीवन, बदला हुआ जीवन, उसकी गवाही में उसका परिवर्तित जीवन ही प्रमाण है। आज के लोग बड़े बड़े दर्शन की गवाही तो देते, जीवन में प्रमाण नहीं होता है, जिसके कारण उनका जो दर्शन कह लीजिए, उनका जो प्रकाशन कह लीजिए, वो झूठा साबित होता है। पौलुस का प्रकाशन झूठा नहीं था, क्योंकि उसका परिवर्तित जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण था। यहां पे कह रहा है यीशु मसीह, वो जब वो आएगा, वो आकर, कौन? पवित्र आत्मा। ये एक व्यक्ति है, ये आत्मिक व्यक्ति, जैसे यीशु मसीह एक आत्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने देह में प्रकट होकर अपने पिता को इस संसार में इंट्रोड्यूस किया कि परमेश्वर कौन है, और जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आता उसका जीवन कैसा होना चाहिए। उसने कोई शारीरिक गतिविधि में पार्ट नहीं लिया, ना उसने विवाह किया, ना वो सांसारिक जीवन की अभिलाषा रखता था। उसने जिस काम के लिए भेजा किया और चला गया, पुनरुत्थान के बाद सीधा परमेश्वर के पास। अब उसमें जाकर किसको भेजा? पवित्र आत्मा को। अब यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो, यानी पवित्र आत्मा, आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। काहे के लिए पवित्र आत्मा आया है?
निरुत्तर करने के लिए। किस विषय में? पाप, धार्मिकता और न्याय। ये तीन पॉइंट नहीं, ये तीन प्रकार की मानसिकताएं हैं। हम आज इसी पे अध्ययन करने जा रहे हैं और ये अध्ययन का विषय आपके लिए बहुत लाभदायक होगा कि आप समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा को लोग किस तरीके से गलत ढंग से प्रस्तुत करके उसका उपहास कर रहे हैं, उसके विषय में गलत चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ होली स्पिरिट। सबसे बड़ा झूठ जो शैतान मसीहों को समझाने में सफल रहा है वो ये है कि पवित्र आत्मा विश्वासी को पाप का दोषी ठहराता है। शैतान ने लोगों के मन में ये डाल दिया है, मसीही विश्वासियों के मन में, कि पवित्र आत्मा पाप के विषय में दोषी ठहराएगा। लेकिन ये बात गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। पवित्र आत्मा की धार्मिक छवि ये है कि जब आप कुछ गलत कर रहे होते हैं तो आपका स्कूल प्रिंसिपल आपको डांटता है। काहे के लिए डांटता है? कि गलत क्यों कर रहे हो, गलत करने के लिए डांटता है ना। तो आपका प्रिंसिपल आपको डांटता है, जिसे सदियों से प्रचारित किया जाता रहा है। लेकिन बाइबल कभी नहीं कहती कि पवित्र आत्मा विश्वासी को पाप का दोषी ठहराता है। पवित्र आत्मा कभी पाप के विषय में दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा दोष लगाने नहीं आया। पहली बात, किस बात को समझने से पहले, पवित्र आत्मा किसका आत्मा है ये आपको समझना है। किसका आत्मा है? पिता का आत्मा है नहीं? तो ये किसका आत्मा है? यीशु मसीह का। बिल्कुल सही जवाब, यीशु मसीह का आत्मा, पुत्र का आत्मा। अब आप ये बताइए, मेरे साथ एक पद निकालिए, यहुन्ना रचित सुसमाचार, अभी इसमें कुछ लगा लीजिएगा, पलटेंगे वापस ही। यहुन्ना रचित सुसमाचार उसका तीन अध्याय और तीन अध्याय का 17 पद पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, यीशु मसीह दंड की आज्ञा देने नहीं आया था कि तुम सब पापी हो, तुमको मैं नष्ट कर दूंगा, तुम नष्ट हो जाओगे, ये कहने आया था। वो तो पापियों के लिए तो आया था, काहे के लिए आया था? पापियों को बचाने आया था कि पापियों को नष्ट करने आया था? तो जो बचाने आएगा वो आप पर दोष थोड़ी ना लगाएगा, जो आपको बचाना नहीं चाहता वो दोष लगाएगा? वो तो बचाने आया था, उसने वो दंड की आज्ञा नहीं लगाने। अब आप देखिए, एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है, उस पर लोगों ने दोष लगाया, यहूदी लोगों ने, और उन्होंने व्यवस्था का रेफरेंस दिया कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जब ऐसी कोई स्त्री पकड़ी जाए उसे मार दो। वो बीच में खड़ी थी, यीशु मसीह झुककर जमीन पर क्या लिख रहा था? व्यवस्था लिख रहा था। व्यवस्था दोष नहीं लगाती है, व्यवस्था पाप के विषय में हमें जागरूक करती है कि कानून क्या कहता, परमेश्वर का कानून क्या कहता इस संबंध में। और आपको मालूम है वो कानून क्या कहता है? जहां पर जो बात यीशु मसीह लिख रहा था, जो आयत, उस आयत में व्यवस्था में लिखा है कि जब कोई रंगे हाथों व्याभिचार में पकड़ा जाए, तो व्याभिचार अकेले तो होता नहीं, एक स्त्री एक पुरुष, दोनों को पत्थरवा करके मार देना, ये लिखा व्यवस्था में। और आप उस केस में आइए, वो स्त्री अकेली थी, यीशु मसीह ने जैसे ही व्यवस्था लिखी, पाप से तो अज्ञात था, पाप को जानता भी नहीं था, उसके स्वभाव में पाप था ही नहीं, तो जो चीज वो नहीं जानता वो चीज लिखेगा क्यों? तो वो व्यवस्था जानता था, व्यवस्था लिखी, और जैसे ही व्यवस्था लिखी, उन लोगों ने व्यवस्था को देखा, उस पद को देखा, उनके विवेक ने उनको दोषी ठहरा दिया कि देखो यहां पर वो आदमी नहीं है, तुम गलत न्याय कर रहे हो। और उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कुछ नहीं, वो अपने आप सब चले गए, पश्चाताप तो नहीं किया लेकिन वो चले गए दोषी, यानी उनके विवेक ने उनको दोषी ठहराया ना। तो दोषी कौन ठहराएगा? हमारा विवेक, हमारा विवेक। लेकिन व्यवस्था को सही तरीके से बताएगा कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का काम है परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा हमें यह दिखाना, आईना, कि देखो ये है व्यवस्था के अनुसार, अपने आप को धर्मी मत समझो, कोई धर्मी नहीं है,
और पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा जब बोलते हैं तो वो पाप का आत्मा तो है नहीं, वो तो पवित्र आत्मा है ना, तो पवित्र आत्मा दोष तो नहीं लगाएगा। तो ये कन्विक्ट और कन्विंस का मतलब क्या हुआ, यही आज हम समझने जा रहे हैं। ये कन्विक्ट का मतलब है जब वो हमारे सामने परमेश्वर के वचन के को खोल के रखेगा ना, तो हमारा विवेक खुद ही हमको ये बता देगा कि तुम पापी हो और तुम्हें पश्चाताप करके परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करने की आवश्यकता है। बस पवित्र आत्मा आपको कभी बाध्य नहीं करेगा। अब आपके विवेक से क्या निर्णय आप करते हैं और अपना समर्पण करते हैं कि नहीं करते, इसके अकॉर्डिंग परमेश्वर आपके साथ व्यवहार करेगा। चाहते हैं कि आपका जीवन फलवंत हो जाए तो निर्णय सही लीजिएगा, न्याय अपने प्रति न्याय सही कीजिएगा। एक बार भी पवित्र आत्मा ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया। तो फिर यूहन्ना 16 अध्याय के 8 पद के बारे में क्या, और जब वो आएगा तो वो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। बहुत से लोग यूहन्ना 16 अध्याय के 8 पद का इस्तेमाल ये दावा करने के लिए करते हैं कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को पाप का दोषी ठहराता है। इसे धीरे धीरे 3 बार या जरूरत पड़ने पर 100 बार पढ़े। क्या इसमें ऐसा कहा गया है कि पवित्र आत्मा दोषी ठहराएगा? दोषी ठहराएगा नहीं कहा गया ना, निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको ऐसी ऐसी दशा में खड़ा कर देगा कि आपके आप निरुत्तर हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं, परमेश्वर 100% सही है और हम 100% गलत है, आपको मानना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पवित्र आत्मा संसार को पाप के बारे में समझाएगी। दूसरे यहां पर देखिए 3 एक्टर्स हैं, या 3 एक्टर्स इसमें आपको मिलेंगे। पहला है धार्मिकता के बारे में समझाएगी। पवित्र आत्मा परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन देगी, जैसा कि हमने विस्तार पूर्वक आपके सामने बाइबल स्टडी में परमेश्वर की धार्मिकता को बार बार रिपीटेडली रखा। कोई आपकी तरफ से आपके विवेक में जरा सा भी अंतर नहीं आया, आना चाहिए था, आप निरुत्तर नहीं हुए। इसका मतलब अभी आपके विवेक में आपके पुराने जीवन का, सांसारिक जीवन का वो मानवीय मानक काम करता है जिसके आधार पर आप अपने आप को सही मान रहे हैं। आपको टूट जाना चाहिए था कि हम तो परम पापी हैं, घोर पापी हैं, और हमने परमेश्वर के वचन का अनादर किया था क्योंकि आपने सुना, रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपके हार्ट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हृदय को रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा एक्टर इसमें आएगा, और दूसरा एक्टर देखिए, पवित्र आत्मा संसार को पाप के बारे में समझाएगी, दूसरा एक्टर है धार्मिकता के बारे में समझाएगी, और तीसरा व्यक्ति को न्याय के बारे में समझाएगी। पाप के बारे में समझाएगी, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में समझाएगी, और परमेश्वर के न्याय के बारे में समझाएगी। 3 विषय है अलग अलग। अब इसमें हम लोग सही संदर्भ में पवित्र आत्मा का विश्वास, सही संदर्भ में पवित्र आत्मा का विश्वास, यूहन्ना 16 अध्याय के 8 पद में समझाया गया है। जो प्रचारक यूहन्ना 16 अध्याय के 8 पद का इस्तेमाल ये दावा करने के लिए करते हैं कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को पाप के लिए दोषी ठहराती है, वे अगली आयतों 16 अध्याय उसके 9 से 11 पद को आगे नहीं पढ़ते हैं। अब आप देखिए संदर्भ में इसको देखिए कि पवित्र आत्मा क्या करता है। 16 अध्याय का 9 से 11 पद तक पढ़िए। पाप के विषय में इसलिए कि आज तक किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अगर विश्वास किया होता ना तो तुरंत पश्चाताप करने लगते और कहते प्रभु हम तो महापापी हैं, मुझ पर दया कीजिए। और ये व्यक्तिगत कार्य है, सामूहिक कार्य नहीं है, कि सबको करना जरूरी है। जिसके हृदय में पवित्र आत्मा का वचन स्पष्ट हो गया उसको तुरंत पवित्र आत्मा की इस बात के आधार पर पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु
हमने वाकई में यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, अगर विश्वास किया होता तो आज मैं जिस तरीके से वचन को बैठ के सुन रहा हूं, ये केवल सुनने वाला ना होता, मैं वचन पर चलने वाला बन जाता। नहीं बना कोई। मैं बहुत सालों तक लगातार वचन देने के बाद इस पॉइंट पर लाया हूं। अब आप देखिए, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर, यानी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते या पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते कि ये मसीह की ओर से भेजा गया है सहायक, और आगे धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का शासक दोषी ठहराया गया। कौन है संसार का शासक? शैतान। चाहे किसी भी कोई भी सरकार हो, उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो नेम फेम और मनी की शक्ति काम कर रही है, वो शैतान की शक्ति है, और ये शैतान की शक्ति काम कर रही है। और जब हमने इसको पूरे संदर्भ में पढ़ लिया, अब पहला इसका जो मुद्दा है, दुनिया के वे लोग हैं जो यीशु और क्रूस पर उनके पूर्ण किए गए कार्य पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने अपनी क्रूस पर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके और हमारे लिए एक सरल सत्य मार्ग बना दिया, ताकि हम उस मार्ग से परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। हम यीशु मसीह के इस कार्य पर, जो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर और बलिदान से पाप को मृत्यु के साथ खत्म कर दिया, और पाप पर और मृत्यु पर जयवंत होकर तीसरे दिन जी उठकर साबित कर दिया कि अब वो जीवित प्रभु है, किसी ने विश्वास नहीं किया। दूसरा मुद्दा है, शिष्य विश्वासी हैं, और अंत में तीसरा जो मुद्दा है वो शैतान है जो दुनिया का शासक है। दूसरा है, शिष्य विश्वासी हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता अब तुम्हारे हवाले, तो चेलों के हवाले थी, और इसके बाद जो शैतान है वो जो दुनिया का शासक है। ऐसा क्यों है कि जब लोग ये दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को पाप का दोषी ठहराता है, तो वे इतनी आसानी से 9वें पद से 11वें पद को नजरअंदाज कर देते हैं, यानी संदर्भ से बाहर आप इसमें से एक पद को निकालकर अलग से किसी को कुछ संदेश बनाकर दे दें तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, बिना संदर्भ के। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसको संदर्भ के साथ पढ़ना चाहिए कि किस विषय में ये बात की जा रही है और वहां पर हो क्या रहा है। तीन अलग अलग इसमें खिलाड़ी हैं, या कह लीजिए मुद्दे हैं, और पवित्र आत्मा द्वारा तीन अलग अलग धारणाएं, ये तीन धारणाएं हैं समझ लीजिए, पाप, धार्मिकता और न्याय। ये जानना कि बाइबल किस प्रकार यहूदियों, अन्य जातियों, कलीसिया के और कलीसिया विश्वासियों, शैतान और कभी कभी विशिष्ट व्यक्तियों को अलग अलग संबोधित करती है, सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के तरीके में से एक है। जब हम आपसे कहते हैं ना पिता, हम बार बार आपको क्यों इस जगह पर टोकते हैं कि जहां पिता की बात हो रही वहां कह देते परमेश्वर, कभी कभी जहां पुत्र की बात हो रही वहां भी आप परमेश्वर वर्ड कहते हैं, कभी कभी पवित्र आत्मा तो वहां भी आप परमेश्वर बोलते हैं। नहीं, जहां परमेश्वर वहां परमेश्वर, जहां पिता वहां पिता, जहां पुत्र वहां पुत्र, जहां पवित्र आत्मा वहां पवित्र आत्मा, जिस संदर्भ में बात की जा रही है उसी संदर्भ में आपको जवाब देना चाहिए। आप संदर्भ से बाहर चले जाते हैं, और सत्य के वचन को आपको सही हैंडल करना नहीं आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 8 पद को सही ढंग से विभाजित करना और उन्हें आपस में मिलाना नहीं बहुत जरूरी है। कुछ सबसे बड़े विधर्मी धर्मशास्त्र तब बनाए जाते हैं जब बाइबल में लिखी गई हर बात को चर्चा या विश्वासियों के लिए माना जाता है। पवित्र आत्मा संसार को पाप के बारे में नहीं बल्कि पाप के बारे में समझाता है। वो हमें केवल एक पाप के बारे में समझाता है जो यीशु में अविश्वास है। यहां लिखा है ना, पवित्र आत्मा हमें पाप के विषय में निरुत्तर करता है। वो पाप कौन सा है? यीशु मसीह ने हमारे पाप को सलीब पर उठा लिया, मिटा दिया मृत्यु के साथ,
तो आप पवित्र आत्मा कौन से पाप की बात कर रहा है? ये पाप मालूम क्या, यीशु मसीह पर विश्वास ना करना ये पाप है, और ये सब कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहे हैं, वचन को यहां से सुन रहे हैं यहां से निकाल रहे हैं, अपनी मन मर्जी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब आप सही तरीके से चलेंगे नहीं, आपको जो करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे, प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही, और आप सोच रहे कि अभी प्रार्थना सुनिरा करेगा करेगा, आप बैठे हुए एकदम आपके अंदर परिवर्तन शुरू जाना चाहिए। वो हमें केवल एक पाप के बारे में समझाता है जो यीशु में अविश्वास है। वो विश्वासी को धार्मिकता का दोषी ठहराता है, क्योंकि हम यीशु को शारीरिक रूप से नहीं देखते हैं, इसलिए कभी कभी ये भूलना आसान होता है कि यीशु हमारे पक्ष में है। वो पिता के दाहिने हाथ पर हमारा अधिवक्ता यानी हमारा वकील है, वो पिता के दाहिने बैठे हमारे लिए वकालत करने के लिए, और अंत में पवित्र आत्मा संसार के शासक अर्थात न्याय के शैतान को दोषी ठहराता है। एकमात्र पाप जिसके लिए पवित्र आत्मा किसी विश्वासी को दोषी ठहराता है वो है यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार ना करना। अगर आज यहां पर बैठे किसी ने यह नहीं किया है तो आज आपको तुरंत ये काम यहां पर करके जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे वो आपके जीवन में आगे कुछ भी नहीं करेगा। कहकर बैठे रहो तुम जितने तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और तुम चाहते हो कि वो करे, तो तुमको ये काम तुरंत कर लेना चाहिए। यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार ना करना यह सबसे बड़ा पाप है। समलैंगिकता नहीं, व्यसन नहीं, वेश्यावृत्ति नहीं, बल्कि वो केवल एक पाप के लिए दोषी ठहराता है जो है यीशु और क्रूस पर उसके पूर्ण किए गए कार्यों में अविश्वास यानी विश्वास ना करना। पवित्र आत्मा विश्वासी को उसकी धार्मिकता की ओर संकेत करता है जो यीशु द्वारा क्रूस पर किए गए सिद्ध कार्यों में पाई जाती है। जब हम पाप करते हैं तब भी वो हमें मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता की याद दिलाता है। वो पवित्र आत्मा का मेन काम है वचन को याद दिलाना। पवित्र आत्मा शैतान को न्याय का दोषी ठहराता है, वो इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो केवल विश्वासियों पर आरोप लगा सकता। कौन? शैतान। शैतान का काम है हमारे ऊपर आरोप लगाना। शैतान ने कलीसिया को यह विश्वास दिलाकर अपने मिशन में सफलता प्राप्त कर ली है कि विश्वासियों को पाप के लिए दोषी ठहराने का उसका काम पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है। जो विश्वास उस पर आता है वो उसे चर्च पर डाल देता है। जब प्रचारक दावा करते हैं कि परमेश्वर उनके व्यवहार के आधार पर उनका न्याय करेगा, पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है एक विश्वासी के जीवन में? परमेश्वर उनके व्यवहार के आधार पर उनका न्याय करेगा तो दोषी ठहराने का क्या मतलब है? बाइबल में दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यूनानी शब्द जिसका मतलब है प्रकाश में लाना या उजागर करना, दुनिया के लिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह में उनके अविश्वास के पाप को दोषी ठहराएगा या उजागर करेगा या प्रकाश में लाएगा। शैतान के लिए पवित्र आत्मा अपने निर्णय को दोषी ठहराएगा या प्रकाश में लाएगा या उजागर करेगा। पवित्र आत्मा कुछ नहीं करता है, वो यीशु मसीह ज्योति है, उस ज्योति के द्वारा परमेश्वर के वचन में हमको ये दिखा देता है कि यहां पे देखो क्या लिखा है, और हमारा विवेक खुद हमको दोषी ठहरा देता है। ये वचन इसीलिए आईना बोला गया, हमारी आत्मा का आईना। यदि पवित्र आत्मा किसी विश्वासी को पाप का दोषी नहीं ठहराता तो पवित्र आत्मा का कार्य है क्या? क्या कार्य है? इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 15 16 17 तीन पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 15 16 17 पद। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद
यानी पुराने नियम के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को कहां, ये लिखेगा कौन, कौन लिखेगा, हम खुद लिखेंगे ना, हम अपने हृदय पर लिख ही नहीं सकते, तो लिखेगा कौन, प्रभु लिखेगा, कैसे लिखेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। तो इतने समय से आपके साथ कर क्या रहा था, लेकिन किसी ने पश्चाताप किया होता ना तो अभी आपके हृदय पर परमेश्वर की व्यवस्था लिख गई होती, आपका ये पुराना विवेक काम नहीं कर रहा होता, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगे होते, क्योंकि किसी ने पश्चाताप नहीं किया और किसी का हृदय समर्पित नहीं हुआ, इसलिए वो परिवर्तन नहीं हुआ जिससे दूसरे लोग देख कर कहते आप कहां जाते हैं, हम भी जाएंगे। आपके जीवन से वो रोशनी निकलती, आपका व्यक्तित्व चमकने लगता, अभी आपको लगता है कि लोग रोकते हैं क्योंकि आपके जीवन में बत्ती बुझी है, लेकिन जब आपके जीवन बत्ती जड़ी होगी ना, रोकने की वजह वो कहेंगे हम भी चलेंगे। यही तो परमेश्वर की महिमा है जी। और मैं उनके अपनी व्यवस्था यानी 10 आज्ञाएं उनके विवेक में डालूंगा। क्यों नहीं डाली अभी तक, समर्पण नहीं हुआ था ना, पश्चाताप नहीं हुआ, विवेक गंदा भी, हाँ, जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा आपके विवेक में वो लिखेगा नहीं। विवेक में डालूंगा नहीं, विवेक में डालूंगा 16 पद है ना, और मैं उनके विवेक में डालूंगा, और फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी नहीं स्मरण करूंगा, खत्म। आप पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन चूंकि आपने सही रिस्पॉन्ड नहीं किया इसलिए आज तक पाप में है। पवित्र आत्मा आपको क्या कर रहा है, बार बार वचन में ले जाकर आपको यही तो कर रहा, कन्विक्ट करा रहा, निरुत्तर कर रहा कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा, होएगा ही नहीं। पवित्र आत्मा हमें गवाही देता है कि हमारे पाप और हमारे अधर्म के कामों को परमेश्वर फिर कभी याद नहीं रखेगा। वो विश्वासियों को क्रूस पर यीशु मसीह के पूर्ण किए गए कार्यों द्वारा चुकाई गई धार्मिकता का दोषी ठहराता कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए प्राण दे दिया, तुमने अपना जीवन उसको नहीं दिया, तुम अभी भी पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सांसारिक जीवन और अपने मन का जीवन जीकर ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको प्रभु की आज्ञा में जीवन व्यतीत करना है। जब तक विवेक शुद्ध नहीं होगा और उसका 10 आज्ञाएं जो यहां पर लिख जाएंगी, तो आप ऑटोमेटिकली आपका विवेक, आप जब भी कुछ करेंगे तो आपके अंदर से विवेक आपको खुद ही कह देगा ये गलत है, इधर मत करो, ये काम गलत है, यहां मत जाना, झगड़ा मत करना, गाली मत देना, तो खुद ही आपका विवेक नहीं करेगा, विवेक रोक देगा आपको, आपका विवेक कभी इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि आपके विवेक में शुद्धिकरण हुआ नहीं है, आप चूक जाते हैं और आपसे हो जाता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में विश्वासी को दोषी ठहराता है, प्रकाश में लाता है या उजागर करता है। यह पवित्र आत्मा द्वारा विश्वासी को पाप के लिए दोषी ठहराने के विपरीत है। आधुनिक मसीही शिक्षा, मसीह की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। आज जो कलीसिया में मसीह की शिक्षा चल रही है ये उसके बिल्कुल विपरीत है जो आप सुन रहे हैं। वहां पर ये कहा जाता है अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, तो यीशु मसीह ने किसके लिए किया था, जो प्रायश्चित किया था वो हमारे पापों के लिए तो किया था, यही तो वचन बोल रहा है। तो हम पापों के लिए प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं, हम तो पश्चाताप करेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है और हम इस लायक नहीं है कि हम प्रभु का नाम अपने मुंह से ले सके, प्रभु हम पर दया कर, क्षमा कर, ये प्रायश्चित है, ये पश्चाताप है। प्रायश्चित तो प्रभु ने किया, प्रायश्चित का मतलब होता है उस चीज के लिए जो दंड निर्धारित किया उस दंड को ले लेना। तो पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु, यह है प्रायश्चित। तो हमें प्रायश्चित नहीं करना, मृत्यु तो उसने ले ली, प्रायश्चित किया, अब हमको क्या करना, पश्चाताप कि प्रभु हम अभी भी पाप में जीवन बिता रहे थे क्योंकि हमको आपके वचन के द्वारा लगातार बताया जा रहा था और हम सुनते जा रहे थे लेकिन हमने कभी पश्चाताप नहीं किया, है पाप,
ये वो पाप है जो आप जानबूझ के कर रहे हैं। जब आप अज्ञानता में थे, जब आप कलीसिया में नहीं थे, जब आप वचन नहीं सुन रहे थे, तो ये पाप नहीं था क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी, और लगातार सुनने के बाद भी आपके जीवन में वही चीज। ये पवित्र आत्मा विश्वासी को धार्मिकता के लिए दोषी ठहराता। पवित्र आत्मा का विश्वास और पश्चाताप, केवल परमेश्वर की भलाई ही एक व्यक्ति को पश्चाताप की ओर ले जाती है। वो भलाई केवल क्रूस पर पूरे किए गए कार्यों में ही पाई जा सकती है। एक व्यक्ति की भलाई, वो व्यक्ति कौन है जिसने हमारे लिए अपने पापों को, हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया? वो एक ही व्यक्ति कर सकता था और उसने कर दिया, और फिर भी हमारे जीवन में जू नहीं रहेंगी। रोमियो की पत्री 4:5 पढ़िए। रोमियो की पत्री 4:5। परंतु जो काम नहीं करता, भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता। किसका विश्वास? जो धर्म के काम करता है, हाँ, जो उसको जो धर्मी ठहराता है उसके कामों पर, उसने हमारे लिए किया है ना, इस पर विश्वास करना परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया जाना है। इसमें हमें धर्म का कोई काम नहीं करना। हम लगातार लोगों को बोलते जा रहे थे कोई शारीरिक क्रिया नहीं करनी है, कभी किसी की समझ में नहीं आया। पवित्र आत्मा, देखिए हम अपनी मर्जी से सेवा नहीं कर सकते, ये तो पवित्र आत्मा है जो हमें एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा ने ये बातें पहले क्यों नहीं खोली? पहले तो साधारण आपके सामने वचन ही तो प्रस्तुत करता गया। जब वचन को लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तब पवित्र आत्मा ने इन चीजों को खोलना शुरू किया ताकि आपको निरुत्तर करें। अब वो निरुत्तर करने पर उतर आया है। कितना गंभीर मामला है कि आज वो हमको वचन में दिखा दिखा कर, देखिए इसको इंग्लिश में पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमियो 4:5 इंग्लिश में, बट टू वन हु नॉट वर्किंग बाय द लॉ दस ट्रस्ट बिलीव्स फुली इन हिम हु जस्टिफाइज द अनगॉडली His faith is credited to him as righteousness, the standing acceptable to God. यानी आप जो अधर्मी हैं, आपने उस पर विश्वास कर लिया कि ये मेरे खातिर मरा, क्रूसिफिक्शन पर विश्वास किया, इसका मतलब उसकी धार्मिकता आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो गई। अब एक बात बताइए, दो चीजें होती है, ये एक ऐसी भाषा हम लोगों ने पढ़ी, डेबिटेड और क्रेडिटेड। जब आपके अकाउंट से पैसा कटता है, आजकल क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट है सबको ये टर्म्स मालूम है, जब आपके अकाउंट से पैसा कटता है तो क्रेडिटेड लिख के आता है कि डेबिटेड लिख के आता है? डेबिटेड लिख के आता है ना, कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया। और जब आपके अकाउंट में पैसा ऐड होता है, कहीं से आता है, तो उसमें क्या लिख के आता है? क्रेडिटेड। यानी यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में आकर हमारे अकाउंट में आ जाती है, क्रेडिटेड। उसकी धार्मिकता तुरंत, परमेश्वर अपने काम में देरी नहीं करता। देरी मालूम किसकी तरफ से? मनुष्यों की तरफ से। आपने पश्चाताप करने में देरी कर दी। अगर आपको पहले ही दिन यह बात समझ में आ गई होती तो आप पश्चाताप कर चुके, अब तो कहां से कहां पहुंच गए होते। पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये पछतावा होना चाहिए, काश ये मैंने शुरू में कर लिया होता तो आज जो जिस दशा में हम फंस गए ना, ये ना होती। हमने अपनी जिंदगी में ये काम हमने भी देरी से किया था। पहली बार में अगर कर लिया होता ना, तो मेरा बहुत नुकसान हुआ। ऐसी दशा में जाके फंस गए थे कि हम क्या बताएं आपको। एकदम एक तरफ, एक सब तरफ मौत थी, केवल बचाने वाला परमेश्वर था और कोई नहीं था, किसी व्यक्ति का सहारा नहीं था। तब मैंने अपना समर्पण किया है
और उसके बाद पलट कर पीछे कभी नहीं देखा। मैं परमेश्वर की सेवकाई से भाग रहा था, कट रहा था, क्योंकि हमें संसार में जो काम करने को मिला था उसमें पैसा बहुत था और हम उधर भाग रहे थे। जिसके जीवन में उसने हुक मार दिया ना, भाग नहीं पाएगा। बार बार बोल रहे हैं अपने जीवन से, इस बात को आपको बता रहे, मैंने भागने की बहुत कोशिश की, भागने नहीं देगा, बल्कि तुम्हें ऐसी विपत्ति में डाल देगा जीवन भर वहीं फंसे रह जाओगे, नष्ट हो जाएगा जीवन, निकालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जब किसी को दंड की दशा में रखता कोई छुड़ा नहीं सकता, ये वचन में लिखा हुआ है। यहां पे हमने इस बात को देखा, परंतु परमेश्वर अधर्मी को उचित ठहराता है, ना कि पश्चाताप करने वाले अच्छे मसीही को। पश्चाताप करने और व्यवहार बदलने का प्रयास करना वो काम नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। धार्मिकता एक उपहार है। परमेश्वर की धार्मिकता जो है ना, वो हम अर्न नहीं कर सकते अपने कार्यों से, कि हम ये करेंगे परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। धर्म का कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे वो प्रसन्न हो। अगर ऐसा होता तो नए नियम में, पुराने नियम में तो एक से एक धर्मी लोग थे कि नहीं थे? एक से एक धर्मी थे। आज के लोग उन्हें टच नहीं कर पाएंगे। बेशक एक पद निकालिए, यीशु मसीह ने हमारे सामने जो बेंचमार्क रखा है, बेंचमार्क का मतलब इससे आगे तुमको जाना है। मत्ती रचित सुषमाचार उसका 5 अध्याय निकालिए, मत्ती रचित सुषमाचार 7 अध्याय, सॉरी, मत्ती रचित सुषमाचार का 7 अध्याय। छह अध्याय यहां पे ये लिखा है, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करना होगी। हाँ, मिल गया, ये है 5 अध्याय, पहले बिल्कुल सही बोला, 5 अध्याय का 20 पद, 5 अध्याय का 20 पद। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में आएंगे नहीं पाएंगे ना। तो शास्त्री फरीसी की धार्मिकता आपको मालूम नहीं, इसलिए आप एकदम होगी पता नहीं। आज के लोग जितनी अपनी धार्मिकता दिखा रहे हैं ना, धर्म कर्म, ये उसके आगे कुछ नहीं जो उन लोगों की थी। वो एक तो कट्टर थे और उनको कोई हरा नहीं सकता था। दशमांश देने में सबसे आगे, आजकल के लोग दशमांश नहीं देते। वो परमेश्वर की भेंट के मामले में बड़े ईमानदार थे, क्योंकि व्यवस्था में लिखा था, परमेश्वर के पुराने नियम में लिखा हुआ है कि जो दशमांश नहीं देता वो चोरी करता, परमेश्वर की चोरी करता, और परमेश्वर के सामने वो चोर है। 8 वर्ड लिखे हुए मलाकी में लिखा है कि तुम चोरी करते हो, तुम चोर हो, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं देते हो। परमेश्वर ने लोगों को लताड़ रखा था। तो दशमांश के मामले में होते, यीशु मसीह ने इस मामले में उनकी तारीफ की, मत्ती 23 में उसने कहा तुम धनिये पुदीने और सौंफ का भी दशमांश देते हो, यानी छोटी छोटी इनकम का दशमांश देते हो। लेकिन वो आत्मिक पार्ट भूल जाते थे, दया न्याय इस पर वो सही नहीं थे, उनका स्पिरिचुअल पार्ट नहीं सही था। फिजिकली वो बहुत धार्मिक थे, उनको कोई पौलुस उसी में से था, पौलुस की धार्मिकता बड़ी सॉलिड धार्मिकता थी, इसीलिए वो अपने कह रहा मेरा विवेक सही था, वचन के आधार पर, पुराने नियम के आधार पर। शास्त्री फरीसी को हरा पाना आज हम लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। फिजिकली आप कोई धर्म का ऐसा काम नहीं कर सकते जो वो करके आपको हरा चुके हैं। ये बेंचमार्क है नए नियम का। अब हम आपको बताते हैं परमेश्वर का नजरिया धर्म के कामों को लेकर। यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय निकालिए, 64 चैप्टर, यशायाह 64 64 अध्याय
64 अध्याय 6 पद, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब। पोछा देखा है ना अपने घर में जो लगाते हैं, उसी को मैला चिथड़ा बोलते हैं। हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने क्या है मालूम है? पोछे के समान, मैले चिथड़े के समान, हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। कोई वजूद नहीं हमारा, हम अधर्मी हैं। हमारे धर्म के काम कहां से धर्म के हो गए? वो अधर्म के काम है। एक पापी और पतित इंसान जो अधर्मी है वास्तव में, वो अपने आप को धर्मी बता रहा है। हमारे देश में तो ये एकदम खुलेआम चलता है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन जो कलीसिया में आए हैं वो तो सुन रहे हैं ना, उनको क्यों नहीं फर्क पड़ा जी? अब ये देखिए यहां पर ये उसने लिखा है, वह अधर्मी व्यक्ति द्वारा विश्वास के द्वारा पश्चाताप ना कर। धार्मिकता एक उपहार है। परमेश्वर की धार्मिकता जो है ना वो कर्मों पर आधारित नहीं, कहना ये मांग रहे। कई कर्म आया है नए नियम में, लेकिन यही तो नहीं समझ रहे हैं। आज कलीसियाओं में कर्म किए जा रहे हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो, शरीर से काम कर रहे। आपका शरीर पाप करता है और आप शरीर पापी शरीर से कुछ करके परमेश्वर को प्रसन्न करने का बेकार प्रयास कर रहे हैं। जब यीशु मसीह ने कह दिया था कि शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता, तो हम एक परमेश्वर की धार्मिकता है जो उन्हें हरा सकती है, जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पश्चाताप करने वाले को गिफ्ट में मिलती है। चाहिए ये गिफ्ट है, यह आपको कार्यों के आधार पर नहीं मिलती, यह आपको परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। ये गिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा मालूम? पश्चाताप करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप ये करना पड़ेगा कि हम तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं दुनिया के सामने, अपनी नाक ऊंची करने के लिए, और कर नहीं पाते, बार बार बेइज्जती हो जाती। परमेश्वर आपकी नाक ऊंची कर देगा। धार्मिकता एक उपहार है जिसे जब पश्चाताप ना करने वाले अधर्मी व्यक्ति द्वारा विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वो उसे सच्चे पश्चाताप की ओर ले जाता है। एक अधर्मी व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा उसको पश्चाताप की तरफ ले जाता है कि पहले पश्चाताप करो तो ये तुम्हें गिफ्ट मिल जाएगा। परमेश्वर की धार्मिकता एक वरदान है। अब मेरे साथ दोनों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़ दीजिए। 2 अध्याय का 4 पद, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव के लिए तुझे मन फिराव सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, जब तक आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं। आपके जीवन में क्रोध बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में हर चीज परिवार में उलट पुलट उलट पुलट बदतर हो जाएगी। ये उसका क्रोध है। अच्छा, अभी भी नहीं मान रहा, ये लो और थोड़ी सुतली टाइट करो, आपकी ये भी बिगाड़ दो, उधर भी बिगाड़ दो, उस बच्चे को भी नुकसान पहुंचाओ, उसको भी पहुंचाओ, इसको भी पहुंचाओ, ताकि इस परिवार में सब लोग पश्चाताप करें। और जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे, आप एक जादू देखेंगे कि सब चीजें आपके लिए भलाई होने लगी चारों तरफ, परमेश्वर सब खोल देता है। ये परमेश्वर की धार्मिकता का जादू है जो आपको गिफ्ट में दी जाती है। अच्छे काम मसीही जीवन का फल है, जड़ नहीं। आप बाहरी तौर पर अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जड़ सड़ सकती है। काम के बिना विश्वास मरा हुआ है। पश्चाताप उस उपहार का परिणाम है
जब आप पश्चाताप करते हैं, आपने जितना काम किया और सब बर्बाद हो गया, आपके जीवन का सारी जीवन की सारे कार्य सब बिगड़ गए, आप और आपके पास एक ही ऑप्शन बचता, पश्चाताप उस उपहार का परिणाम है जिससे सब बिगड़ा हुआ परमेश्वर सही कर देता है। जब एक विश्वासी पाप करता है तो क्या होता है? आधुनिक मसीही लोगों में यह देखा जाता है उनकी शिक्षा में कि जब कोई विश्वासी पाप करता है तो पवित्र आत्मा अस्थाई तौर से हमसे तब तक के लिए दूर हो जाती है जब तक कि हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर लेते। लेकिन ये गलत है, आज आधुनिक मसीही शिक्षा में ये बोला जाता है, लेकिन पौलुस ने अलग तरीके से सिखाया। जब कुरिंथ के मसीही मंदिर में मसीही लोग मंदिर में वेश्याओं के पास गए तो पौलुस ने उन्हें उनके पापों की याद नहीं दिलाई। अब इसके लिए पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 18, 19 और 20 पद। पहला कुरिन्थियों 6, व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा। यह आपके लिए नहीं बोला जा रहा है, धोखा मत करिएगा जिसको आपने सोच लिया कि हम परमेश्वर का मंदिर है। ये आपको ये बताया जा रहा है कि कुरिन्थ की कलीसिया के लोग, ये लोग जब एक वेश्याओं के पास जाने लगे थे, पौलुस ने उनको ये बात याद दिलाई थी, ये पवित्र आत्मा ने याद दिलाया था कि तुम कलीसिया के हो और तुम ये कर रहे हो, तुम के परमेश्वर की, ये बहुत घिनौना पाप हो गया था, अपनी देह के विरुद्ध पाप। ध्यान दे कि जब कुरिन्थ के मसीहों ने यौन अनैतिकता की थी तब भी पौलुस ने घोषणा की कि उनके पास पवित्र आत्मा है। ये धार्मिक मसीही की आधुनिक शिक्षा के विपरीत है। जो आज धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं मसीही लोग, ये उसके बिल्कुल विपरीत शिक्षा है। ये लोग कहते हैं अरे पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़ देगा, छोड़ता नहीं है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपसे बात करना, आपको गाइड करना बंद कर देता है, बस आपको थोड़ा सा पनिश करता है। पौलुस उन कुरिन्थियों के मसीहों को अनुग्रह दे रहा था जो असफल हो गए थे, और यही अधर्म को अस्वीकार करने की कुंजी है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ दीजिए। तीतुस की पत्री 2 अध्याय, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अनुग्रह का प्रचार करें, प्रचार करें कि धार्मिकता एक उपहार है, प्रचार करें कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को धार्मिकता के प्रति आश्वस्त करता है और परमेश्वर का अनुग्रह एक विश्वासी को अभक्ति और सांसारिक लालसाओं को अस्वीकार करना सिखाएगा। यूहन्ना 16:8 पद का उपयोग हमको नियंत्रित करने और भय के बंधन में रखने के लिए किया जाता है। ऐसे कई कारण हैं कि मसीही लोग अभी भी ये उपदेश देते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को पाप का दोषी ठहराता है, जबकि बाइबल इसके विपरीत बताती है। शायद ये परंपरा है, संप्रदाय का गौरव है, या पुराने धर्म शास्त्रों में विश्वास है जिससे वे बच नहीं सकते, लेकिन इसका मुख्य कारण लोगों को नियंत्रित करना और उन्हें भय के बंधन में रखना है। जब आप चर्च को भय, न्याय और निंदा के खतरे में डालते हैं तो आप लोगों से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप डर का इस्तेमाल करके चर्च को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसा लोग कर रहे हैं।
आपको डरा के आपसे कि आप प्रभु को भेज दो, प्रभु नाराज है, प्रभु को भेज दीजिए, आप भेज नहीं देते प्रभु आपको। अरे प्रभु आप पर अनुग्रह हमेशा करेगा, पापियों के लिए आया था, अनुग्रह करने वाला है। एक पद पढ़ दीजिए आपको मिलेगा, दूसरा तिमोथियस उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। दूसरा जब आप किसी ऐसे प्रचार को सुने जिसका जिसमें आपको डराने जा रहा है तो आप डरिएगा मत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा हमको जो मिला है वो सामर्थ का है, प्रेम का और संयम का। पवित्र आत्मा द्वारा हमें हमारे पापों की याद दिलाने से सामर्थ, प्रेम और स्वस्थ मन कैसे प्राप्त होता है? एक बेचैन मन, एक दुष्ट मन है, वो आत्मा का फल कैसे उत्पन्न कर सकता है? पवित्र आत्मा विश्वासी को पाप का बोध कराता है कि धर्मशास्त्र के समर्थक पाप की दुनिया के बोध और विश्वासी को धार्मिकता का बोध कराने को मिलाना पसंद करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यूहन्ना 16:8 में ऐसा नहीं कहा गया है कि पवित्र आत्मा विश्वासी को पाप का दोषी ठहराता है, तो वे ये कहते हुए कि ये युक्ति अपनाते हैं कि पहले पवित्र आत्मा हमें पाप का दोषी ठहराता है और फिर हमारे पश्चाताप के बाद वो हमें धार्मिकता का दोषी ठहराता है। ये गलत है, वो हमें सीधे सीधे धार्मिकता का दोषी ठहराता, पाप का नहीं। इस रणनीति का इस्तेमाल आपको धार्मिकता और अच्छे व्यवहार के बारे में उनके विचारों के डर के तहत रखने के लिए किया जाता है। मूल रूप से वे चाहते हैं कि आप क्रूस पर किए गए पूर्ण कार्यों और यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास के द्वारा न्यायोचित होने के बजाय अपने प्रयास से अपना व्यवहार बदले। बोलो ये जो गलत शिक्षा है उसमें ये कि आप कोशिश करें, कुछ ऐसा करें जिससे परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। शरीर की क्रिया से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, कुछ भी कर लो। निष्कर्ष, पवित्र आत्मा विश्वासी को धार्मिकता का बोध कराता है, पाप का नहीं। इसमें शैतान द्वारा खेला गया लंबा धोखाधड़ी का खेल है, जो सजा संसार को मिलनी चाहिए थी और जो सजा स्वयं को मिलनी चाहिए थी उसे वो विश्वासियों पर थोपने में कामयाब हो गया। कौन? शैतान। शैतान ने घुमा दिया लोगों पे। ये मत भूलिए कि यीशु हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के पापों के लिए क्रूस पर मरा, लेकिन वो हमारे औचित्य के लिए मृतकों में से जी उठा। वो हमारे पाप अपराधों के कारण पकड़वाया गया। रोमियो 4 अध्याय उसका 25 पद पढ़ दीजिए। वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमें हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। शैतान आपको उस धर्मशास्त्र का प्रचार करके व्यवस्था के अधीन, शरीर के कामों के अधीन रखना चाहता है। केवल अनुग्रह ही किसी भी पाप से बाहर निकलने का रास्ता है। इस कारण से परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के शरीर में कांटे के लिए पर्याप्त था। अनुग्रह का प्रचार करें और विश्वासियों को मसीह में उनकी धार्मिकता की याद दिलाए, ना कि उनके पापों की। परमेश्वर का अनुग्रह विश्वासियों को परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए आत्मा के फल उत्पन्न करके परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं, आज आप जब सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, बैठें और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति जान करके, परमेश्वर हमारे यहां उपस्थित है उसकी उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर तो हमेशा हर जगह है, आप इस बात को कहिए कि प्रभु मैंने आज तक पश्चाताप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित तो किया, लेकिन उस बात पर मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पाया और इसलिए मैंने पश्चाताप नहीं किया। आज मैं पश्चाताप करता हूं और प्रभु हमारे विश्वास का उपाय कीजिए, कि हमारे विश्वास में जो कमी है, जो समस्या है, उसका आप उपाय कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए और आपके अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन नई सृष्टि बन जाए। बस आप इतना कहिए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसा अद्भुत कार्य करेगा। थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान सम्मति परमेश्वर, हम सब आपके पास आते हैं, बार बार आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि आप हमें नई सृष्टि बनाने के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की है
और पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर की महिमा के लिए संसार में प्रकट करे, ताकि ऐसे विश्वासियों के द्वारा कलीसिया में वो लोग आए जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं मानते, और उसकी अद्भुत सामर्थ को देखकर, उसके अद्भुत कार्यों को देखकर जो वो हमारी जिंदगी में करता है, लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने की चाहत करें और आए ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।